लड्डू खा ले मैं बच्चा। सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मम्मा। इधर तो देखो, वेलकम बैक टू सोनिया ठाकुर चैनल। ओ देखो उसे। सो गाइस मम्मा का है 30 डेज वेट लॉस चैलेंज। ऐसे मम्मी मेरे को व्लॉग ही पोस्ट होए जब वो जाया करेगा। छोटा है मोटा है लेकिन व्लॉग डेली पोस्ट होएगा। सो चैलेंज जुड़े में पूछ रहे हैं ना वेट लॉस दा, उनके वास्ते उन्होंने दसन लगी उन्होंने सारे वास्ते ये व्लॉग पोस्ट होएगा कि सेम यही चीज तुसी भी फॉलो कर सकते। मम्मा ने सुबह उठ के पिया है गर्म पानी विद ग्रीन टी, ठीक है। और अभी मम्मा की है फर्स्ट मील, वो है पनीर। ये सो गाइस जो पनीर है वो ना ही बटर लगा है ना ही ऑयल लगा है, ऐसे ही नॉनस्टिक पैन में थोड़ा रोस्ट किया है इसको। और चलो चलो, और ये है पपाया थोड़ा सा। ये टोटल है 300 ग्राम्स। सो मम्मा ये खाएंगे। मम्मा अपनी मील भी बता दो लोगों को। और गाइस मेरी मील है ब्रेड पकौड़ा विद चाय विद चटनी। जिसको फैट लॉस करना है वो ये डाइट करे, जिसको गेन करना है वो ये डाइट करे। लड्डू आजा खाइए। सो गाइस इतना टेस्टी ब्रेड पकौड़ा है, लड्डू खाएगा? अरे भाई दीदी आप ही खाओ, मैं भी डाइटिंग पे हूँ, मैं तो मम्मा का खाना खाऊंगा। मम्मा फिर सच बताना आपकी मील कैसी लगी है। सो गाइस कल से मैं जब ये मम्मा का बनाऊंगी, ये मैंने बनाया है, ये मैंने कट किया है। टेस्ट है ना, कुछ नहीं डाला है इसमें, सिर्फ चाट मसाला डाला है ऊपर। तो मैं कल से व्लॉग के टेक में भी ले लूंगी माँ। मम्मा कुछ भी नहीं डाला है नॉनस्टिक में, ऐसे ही मतलब अच्छा लग रहा है ना, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना। कुछ भी नहीं डाला है अंदर। सो गाइस लड्डू खेल के थक चुका है, अभी लड्डू पिएगा दूधू। मम्मा आज के आपके आउटफिट सच बताओ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही है। मम्मा अगर इसने ये कांच की बोतल नीचे गिरा दी ना। इधर आ मम्मा। लड्डू को आजकल क्या पसंद है बताओ? तंग करना। मम्मा ये पीछे क्या टैग लगाया हो? पीछे का टैग देखो, वो नहीं जो आपने दीवार पे लगाया था कल। नहीं नहीं मेरे पीछे भी लग गया है। So guys, कितने का है देखो माँ। बड़ा सस्ता है माँ, सिर्फ 2400 रुपए का। So guys, मैं तुम दूध पिला के भी तरह नहीं। तो गाइस मम्मा की ये थर्ड चीज़ है जो मम्मा पीने जा रहे हैं। और मुकेश भैया ने ऑलरेडी ऑरेंज जूस दे दिया था मम्मा को पहले। ये है कोकोनट मिल्क, आज हमने बाहर से मंगाया बट कल से हम खुद ही बनाएंगे। सो ये मम्मा का है, ये मेरा है, ये नानी माँ का है। सो मम्मा को पिलाते हैं। नमस्ते नानी माँ। सो गाइस नानी माँ भी आ चुके हैं। नानी माँ अपने चश्मे तो बताओ सबको। नानी माँ पी के बताओ कैसा है, मैंने बनाया है। पहले आप पियो नानी माँ, पहले आप। मम्मा आप पियो फिर, अभी असली रिव्यू बेकार। कंप्लीट करना है आपने। सो गाइस प्लीज तुम सारे यादवी अंशु लड्डू मम्मी मेरा व्लॉग बना दो, क्योंकि दो दिन का मैं व्लॉग नहीं बनाया। सो गाइस हमने अपा टूर्नामेंट खेलन गए सी, बस अपा खेलन गए सी उन्हें बसेसरपुर ते बस्ती दानिश मंदर टीम हार चुकी है, हार के वापस आई है ते तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। अंकू किथे है? मूल घर है अपने हार के। नहीं जो तो मैं कह जो तो दी किते जाते बेइज्जती करा के आंदे हो। हले दा पता आशीर्वाद भी ले गई ही। तो गाइस मैं तो कश्मीर, मैं तो वैसे ता ही कहता ना जाओ खेलन, ना जाओ खेलन, ये अगला टूर्नामेंट देखेंगे। हम मम्मा का लंच प्रिपेयर कर रही थी, मैं आप लोगों को बताना भूल गई। तो मैंने सारे वेजिटेबल्स कट करके, इसमें ब्रोकली मिसिंग है बिकॉज मुझे आज मिली नहीं, इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला है, ये सब्जी का ही पानी है। तो कट करके इसमें थोड़ा नमक डाल के मैं अभी इसे सॉटे कर रही हूँ। और इसके पहले मैंने थोड़ा सा इतना सा इतने अमाउंट में पनीर ले लिया डालने के लिए, और ये थोड़े से वेजिटेबल्स ये दूंगी अभी मैं मम्मा को। और बस मम्मा का यही लंच है, इसके साथ अगर कुछ और दूंगी तो मैं आपको बताऊँगी। तो गाइस मैंने थोड़ी सी चिली सॉस ऐड किए टेस्ट के लिए बिकॉज आज मम्मा का फर्स्ट डे है। और थोड़ा सा लास्ट में इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी।
सो गाइस ये ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं अभी इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ टेस्ट के लिए और इसको थोड़ा सा कुक होने दूंगी। फिर ये पनीर मैंने कट कर चुकी हूँ, ये पनीर मैं इसके अंदर डाल दूंगी। सो गाइस ये नानी माँ के स्पेक्स आ चुके हैं। मम्मा नानी माँ के चश्मे यस। मम्मा आपके वेजिटेबल सॉर्ट हो चुके हैं। आपके वेजिटेबल सॉर्ट हो चुके हैं, मैंने इन्हें बताया कैसे बनाते हैं। आपको पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे, ज्यादा मत बनाना, थोड़े ही है। मम्मा एकेडमी मील है ये, ऐसे तो सेकंड मील ही बोली जाएगी। आपके ऑरेंज जूस वो पिया था आपने, मिली है। हाँ जी, जो जो ब्लॉग देखते हैं तो मैनू पूछते हैं ना कि तुसी की खांदे हो, किधर खाने हो। सो फर्स्ट डे आज नॉर्मली वैसे मैं चपाती या राइस बहुत घट है मेरे ते, बट हुन मैं स्टिक डाइटिंग ते हां। स्टिक डाइटिंग फर्स्ट डे है मेरा, तुसी भी सारे मैनू फॉलो करो। मैं 30 दिन का चैलेंज है मेरा, 30 दिन में डेली ब्लॉग पाऊंगी, डेली का की खांदी पई है की नहीं। तुसी भी यही चीज नु फॉलो करो तो अपना वेट लूज करो। देख सकते हो अभी कितना, इसमें ऑयल घी कुछ भी नहीं है। बता दिया अम्मा इन्हें कैसे बनाया मैंने। तो गाइस बताओ नानी माँ चश्मे में कैसे लग रहे हैं। नानी माँ अम्मा आप एक बाइट लेके तो बताओ, रिएक्शन मैं देखना चाहती हूँ। यार रिएक्शन सुखी सब्जियां खा के की रिएक्शन होना, हेल्दी फूड हेल्दी है। सो गाइस तुसी डेली मेरी व्लॉग देखो ते मेरी वेट लॉस जर्नी देखो, सवेरे लेके शाम तक मेरी केड़ी डाइट चलती है, 2 दिन केड़ी डाइट है, 2 दिन की डिफरेंट डाइट विच, उस तो बाद मतलब फुल 7 डेज विच 1 वीक विच केड़ी केड़ी चीज मैं खांदी हां। जो तुसी ओ भी फॉलो करके गारंटी है कि थोड़ा वेट लॉस जरूर होएगा। सो थैंक यू। सो इहदे विच मशरूम है, पनीर है, बीनस है मतलब फलियां, शिमला मिर्च है, गोभी है, इसमें ब्रोकली मिस है बिकॉज़ वो मिली नहीं, ब्रोकली मिली नहीं, ब्रोकली भी जरूर ऐड करो तुसी। तो गाइस मम्मा की मिल का तो नहीं पता बट मैं खा रही हूँ पकौड़े, फिर से पकौड़े बुबू ने खत्म किए, जो मैं कहने दी करना ही नहीं होता। तो गाइस भैया ने आज फिर व्लॉग नहीं बनाया, 2 दिन से भैया ने व्लॉग भी नहीं डाला, बनाना भी नहीं ने, मैच खेलने गया था मेरा, मैं ये टूर्नामेंट हार के आ गया, बेशर्म एदा पाए खेल के आए जो टूर्नामेंट हो रहा हमेशा हार के आया, फिर भी कहता मैं मैच ही खेलना, मैं मैच ही खेलना फद्दू। तो गाइस मैं नवी चप्पल ली है देखो, वाओ रिमोट किथे पे है मुकेश भैया क्या बना रहे हो? दीदी मटर पनीर राइस। सो गाइस मटर पनीर राइस ये क्या है? ये मम्मा का सूप बन रहा है गाइस। सो इसमें भी वेजिटेबल बॉईल हो रही है। सो गाइस मैं मम्मी अपने कटते पे कपड़े बिकॉज मैं मम्मी ते बू चले हैं वड्डे घर, सैर करन उधर ठंड होनी है ना। हां जी एक मैं ना पावा ताही कहने चेंज कर लो। चलो उठ, मैंने नहीं जाना, मैं आपको कब से बोल रही हूं यादवी, उठ फटाफट, की करने नहीं खड़े हो, खड़ी हो। मैंने नहीं जाना यार यादवी। चलो जी सास नु चुप कर ली, थोड़ी उधर जाना, सास नु उधर ड्रामे शुरू हो गए जी। मैं क्यों वॉक करनी है, मैंने थोड़ी ना पतला होना है, गल वो पतले होंदे नहीं इतने। अंशु देख ए छोटी जी जगह ना, इतने से माड़ा मोटा बंदा चल सकदा ना, सलमान खान नु लायो विचो, वो आप भी मम्मा को छोड़ के आ जाओ, मजाक ना कर, चल उठ, वो आप भी मम्मा को छोड़ के आ जाओ, छड़न दी गल नहीं है, जे मम्मी कहंदे तो उठ पे, चल पे ना, नहीं उठना मैं पागल हां, सारे सामने बड़ी बकवास करदी, फिर मैं कुछ बोली तो फिर ओ सारे तो ये देख के थोड़े मतलब सारे कौन है, मैं सारे दसो आ ध्यान ना कान बंद कर लो सारे अपने, मेरा क्या मतलब है, मुकेश तो मैं चंगा थोड़ा लगता, मम्मा आप ही बोलते हो अपने घर के बंदे, तो घर के बंदे तो फिर तू सासा की थोड़ी बोलेगी, पुत्र आप मेरी माँ हो, तेरे बोली थोड़ी है तेरे अगे, चल माँ बोली थोड़ी है तेरे अगे, तेरा की लाना देना बिचो, वो बोल सकते हैं, ऐसा की लाना देना बिचो, ऐसा की लाना देना, अल्लाह फाड़ जनानी मैं अपना जनानी फस गया यार।
अच्छा खासा था कवारा नहीं करना ब्याह मर जड़े हो तू सो जदो उठ नहीं होनी है तो बेड किन सही करना है पिल्लो किन सही करना है इनिया गदियां आता ना लिया ओ देख कहंदे जदो भी क्या कैटरीना कैफे यार जड़ी औरत हुंदी है ना जदो अपने बेड तो थल्ले उतरे ना जदो भी हमेशा चादर ठीक करके पिल्लो सही रख के फिर क्योंकि ऐ इत्थे लक्ष्मी दा निवास हुंदा है चलने हाँ, छा या तो मोटा कपड़ा पाला पुत्र इस तोते मम्मा मैंने पहना है आप आप देखो आपने क्या पहना है चलो चल ये वाला पाला ये वाला पहन लूंगा हां चू तो ठंड ज्यादा बिल्कुल हां कोरा पहन दिया कोरा मतलब हर चीज का मतलब कुछ नहीं मम्मा एक सेकंड आप लोग बता दो जो पंजाब से नहीं है भाई कोरा मतलब क्या कमेंट में बताओ और ओदे विच ना ये वाला ड्राई फ्रूट डिप कर वो उसके साथ नहीं करोगी वो बादाम मैंने वो आपके लिए एलमंड में लिख के ले रखा है वो निकाल लो बना के देता नहीं मैंने तो गल्ला तो ये जिन्हें मरे सुन लो ले जो सो करोड़े एक मिनट स्टैचू चल ले स्टैचू दी लो मैं डिप कर दे फटाफट से चल चल ये पापा डगा कर डगा जाके मुंडा सो गाइस फाइनली पापा डगर आ चुके हैं ते मम्मी उतर चुकी है ते वो भी उतरने लगी आप भी आ जाओ अंदर करनी है चलो आ रही हूँ मैं ही पागल हूँ माँ वो देखो अकेले चले गए मैं बोलना तुई एक दूजे ते सगे नहीं हैगे जाओ सैर करो जाओ चलो सो गाइस इन्ना देर ड्रामे चलते रहने अगर तुहानू व्लॉग देखण मजा आऊगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भुल्लो चैनल सब्सक्राइब कर लियो ते मैं जाके हुन लड्डू जी नु स्वादा ते तो गाइस मेरे से तो वॉक नहीं हो रही थी एड भी भूख रहा है तो मम्मा को मैंने चढ़ा दिया ट्रेडमिल पे भाई मेरे से वॉक नहीं होगी आप करो अपना ट्रेडमिल आप ट्रोल कर रहे हो अपनी बहू को ओके वेरी गुड अभी आप ट्रेडमिल करो सो गाइस हम बड़े घर से निकल चुके हैं अभी जा रहे हैं हम छोटे घर और छोटे घर जाके आप खाइए पहले रोटी फिर पहले अंजना लड्डू मम्मी की रोटी पैक करानी है मैं नानी का रोटी पहले मैं सोचा कि लड्डू इधरों लेके जाने हैं डब्बे वापस भी मंगा लाइस बनाए ठीक है आ गया घर हूं लड्डू लैन जाना तो नाले मम्मी को रोटी देन जाना क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है जिद करके डेली मैं रोटी इधरों भेजनी हाँ तो हम उत्थे जाके फिर तुम मिलती हूँ सो गाइज आज तुम मेरी रूटीन देखी है कि सवेरे मैं की खादा सो ग्राम पनीर 150 ग्राम पपीता
एक मील खानी होंगी है सवेरे फर्स्ट जो आप उठते हैं पानी पीने हैं पानी पीने तो बाद जो जो ब्रेकफास्ट आता ब्रेकफास्ट 300 ग्राम या तो पनीर खा लो या तो पपीता खा लो या फिर और भी बहुत और भी सूप सब है बट यह है कि पूरा दिन आप सूप नहीं रह सकते इस करके मैं 150 ग्राम पपीता ले लिया से 150 ग्राम पनीर ले लिया सीगा फिर उस तो बाद सैकेंड मील सी मेरी जो तुम वेजिटेबल्स देखिया सीगिया सो तुम ब्लॉग च देख ही लिया थर्ड ओ मैं एक होर भी लिया ड्रिंक ली सी मैं ग्रीन टी दी थी मम्मा ग्रीन टी भी पीती सी ओरेंज जूस भी पीता सीगा ते नाले कोकोनट मिल्क पीना सीगा बट मैनू पसंद नहीं आया ओ ना चीनी बहुत ज्यादा सी इस करके ये मील्स है मेरी ते हुण मैं थोड़ा जा ड्राई फ्रूट खादा है कह लो कि 2 बादाम 2 अखरोट ए खादा वा खाने तो बाद इस टाइम ते मेरा बनया होया सूप ए देखो घर सूप बनाया ते मैं सूप जिदा सब्जियां विच खड़ियां सब्जियां भी मैं ओ नहीं पीती मैं पूरा मैश करके पीती हां सो रात नू मेरा होना सूप अगर क्रेविंग होए ते क्रेविंग वास्ते जिहड़े मखाने आंदे ओ भी तुहानू मैं क्लिप विच ऐड कर दांगी ओ भी ऑनलाइन मंगवाए है क्योंकि किसी शॉप ते मैनू मिले नहीं ते रात नू क्रेविंग वास्ते क्योंकि जिदा लड्डू लेट सोंदा है जागदे रहना टीवी देखना भुख लगदी है सो ओहदे वास्ते ओ है अगर बाय चांस कोई ना खाए किसी नू मखाने नहीं भी पसंद होण ते फिर ब्लैक चने जिहड़े हुंदे है हाँ जी ओ वाले खा लो बट मम्मा अभी आप आओगे ना आपको सूप डायरेक्ट नहीं दोगी बिकॉज बाद में आपको लेट भूख लगती है ना पहले आपको ये जो बादाम सोक के उसका दूध बना के दूंगी एलमंड का मिल्क बना के दूंगी उसके बाद आपको सूप दूंगी कोकोनट मिल्क पी सकते हो एलमंड मिल्क पी सकते हो तुसी और थोड़ी मर्जी है बट स्टे तो लेकर रात तक यही रूटीन है अगर तुसी कंटीन्यूअसली ये चीज में एक महीना भी कर लो ना तो मैनू पता थोड़ा बहुत जल्दी महीने मैक्सीमम थोड़ा 6 to 8 किलो वेट थोड़ा लूज होएगा ही होएगा अगर सिकली तुसी डाइटिंग यही हिसाब ना करो तो दूजी गल दिन में पानी मैक्सीमम 8 to 10 गिलास पीना सो मैं पता नहीं मेरा कि वैसे भी पानी मैं ज्यादा ही पीनी हाँ तो 8 to 10 गिलास पानी पानी चाहिए बाकी आज का रूटीन मेरा देख लिया है तो डेली मैं तुम जिदा क्या है कि मैं 30 डेज का चैलेंज है तो जेडे मैं पूछते हैं डायरेक्ट पूछते जो कुछ पूछते हैं तो वह भी नोट कर लियो जिदा मैं डाइट करती पी हाँ तुम भी सेम उदा ही डाइट करो आई होप सो तुम भी अच्छा लगेगा तो अपने आप न बीमारियां अपनी बॉडी अपने शरीर को अपने आप अपनी बीमारियां तो दूर रखो तो क्योंकि मैं हजे बहुत जरूरत है हजे मैं अंकू का विआह करना है हजे मैं इन्हें बच्चे देखने हैं हजे मैं इन्हें बच्चे संभालने हैं सो फिट रहना तो बनता ही है ना सो गई तभी नानी माँ को रोटी देने जा रहे कार में जाके मिलते बाय सो गई सब तेल पाने रुके हैं तो तेल पा के चले नानी माँ के घर वो भी लिखा है रात 9 बजे के बाद पहले पैसे बाद में तेल डाला जाएगा पैसे पहला यदि आपके खाते से पैसे कट गए और हमें ना मिले तो होने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है ओके ध्यान रखिया करो सारी चीजा का सो तेल पे गया तो हुन चलिए नानी माँ घर सो गाइस हम नानी माँ के घर आ चुके हैं मम्मा बड़ा अंधेरा है सो गाइस दादी मत सुते लद्दू चलो इसका ध्यान फिलहाल नहीं है बोल दस लड्डू आ चुके गड्डी च ते बाय नानी अम्मा रोटी खा लो सो हुण आपां निकल लगे ते तुहानूं घर जाके मिलदे आ सो गाइस आप घर आ चुके आंदे मम्मी ने मिला अपना क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू कर दिया लड्डू के नाल लड्डू तो बड़ा मैच है चलो देखिए मैं तो फड़े ना लो लो क्या हुआ क्यों है ओके ठीक है ये बोल रहे हैं 1 2 1
फड़ियो यहाँ से ओके ठीक है तो लड्डू खेलता पाया तो हम तुम फ्री होके मिलते हैं भैया लैके आए नवी गड्डी मम्मी ली गिफ्ट ते एक गड्डी केड़ी है भाजी स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो कलर कलर ब्लैक सो भी देख सकते हो क्या पूरी शुद्ध नवी गड्डी है भैया कांग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच गाइस मम्मी जी मुबारका सब कुछ मम्मी दे प्यार दे नाल ते तुहाडे सारेयां दे प्यार दे नाल ही होया वा मैनूं उम्मीद नहीं सी कि मैं कार ले सकदा पर कंफर्टेबल है यार मम्मी ही लेडी है थोड़ी देर चल गई तू कल्ला बैठे30 days बस ओदे अंडर जो मैं व्लॉग्स पोस्ट करूंगी प्लीज जरूर देखो ते ओदे विच तुहानू फुल 30 दिन दी डाइट अगर तुसी मेरे नाल नाल तुसी भी जिन्हां ने वेट लूज करना अगर तुसी भी नाल नाल फॉलो करोगे तो तुहानू भी बहुत फायदा मिलेगा सो थैंक यू सो मच अगर तुहानू व्लॉग देखने अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भूलो तो सब्सक्राइब भी जरूर करो और बोलो सब्सक्राइब करो बोलो गाइज गाइज अच्छा बेटा गाइज सब्सक्राइब करो बाय बोल दो फिर चलो चलो बाय बोल दो फिर सो लड्डू खा रहा सोस तो गुड नाइट टेक केयर लव यू ब्लॉग जरूर देखियो सब्सक्राइब भी चैनल जरूर करो सो बाय।